ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਈਏ ਦੱਸਾਂ। ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਕਰਨੇ ਉਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁੰਦਾ ਦੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੀ ਵੀ ਗਿਆ। हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चीजें आए, इलेक्ट्रिक दिए आए हैं, पानी वाले आए हैं, बड़े सारी अलग नई चीजें आई हैं। मिट्टी के दियो की डिमांड नहीं खत्म होगी। अच्छा, इसकी डिमांड खत्म नहीं? ना ना, कभी भी नहीं हो सकती। कॉन्फिडेंस देखो। ना ना ना, कभी भी नहीं होगी, ये गारंटी आगे आगे बढ़ेगा ये। नमस्ते, आऊं प्रज्ञा सोत्रा सिद्धी लकीर ऊपर तुसे सारे लोकां दा मता मता मलाड करनी आ। दिवाली आने वाली है, ते दिवाली मतलब दीपावली, मतलब की दीप दिए दी गल करा ने, ते दिवाली दे त्योहार दी गल करा रे, और दिए तुसें की ना दसचे कि किस हिसाबा कने दिए बनते हैं, इं कि ही सकता। ते आऊं इस वेले जलंधर की घुमार मंडी पुजी नहीं हाँ, और तुस मेरे पिछे ते दिखा रहे होने कि किन्ने सारे प्यालियां, गुल्लकां, गागरा, बड़ा किश जड़ा है वो इत्थे पेरा बने दा, क्योंकि घुमार मंडी है ते इत्थे इये सब किश जड़ा है वो दिखने की थुंदा है। ते फिलहाल इस वेले मैं एक वीर जी कोल बैठी नहीं हाँ, वीर जी नहीं बोलगी मतलब हुण मैं पंजाब में ते भाजी बोलगी, भाजी कोल बैठी नहीं ते कने गलबात करने आ कि कियां कियां दिए जड़े ने बनांदे ने, और किस हिसाबा दी डिमांड जड़ी ओरी रोंदी है। और सब तो पहले जड़ी चीज तुसें दसना चाहनी आ, ये पुराना चक्का नहीं है जिसे लकड़ी कन्नै घुमाइए जड़ा है वो फेरदे रोंदे है, अजकल नवा जमाना है, नवी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट इंडिया आखा रहे ना। तो ये दिखो महाराज तुसें स्मार्ट इंडिया साफ लभ रहा कि मोटर जड़ी है वो लगी रही है, तो मोटर के कन्नै कन्नै चक्का जड़ा वो अपने आप घुमा करा करता है। इन्नी मेहनत जड़ी है, मेहनत तो मतलब लगती है इनकी, पर वह चक्के की घड़ी घड़ी घुमाना, घड़ी घड़ी घुमाना, ओकड़ा टाइम जड़ा वो पुराना हो जाता है। तो सब तो पहले भाजी की नाम थोड़ा? सूरज। अच्छा, तो मैं ये दसो कि तुम कितनी देर हो गए इतने यही काम करते? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਿਗੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਿਗੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਦਊ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਚੱਕੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਉਸੀ ਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ। 20 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੀਪਾਵਲੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, जलंधर सच्चे मिट्टी एक किधर वाला मतलब लोकल मार्केट च या फिर जड़ी जलंधर दी हवेली है उठे है या म्यूजियम वगैरह च? मार्केट च, हवेली च, सारे पासे जी, सारे पासे एक्सपोर्ट भी हुंदा है माल। अच्छा, बाहर भी जांदा है? बाहर भी जांदा है। ते इथे के बनदा? और सब कुछ बनदा जो मिट्टी दा बन सकदा जी, सब कुछ बनदा। तुसे के बनाए लंदे? गमले तो लेके छोटे दीवे तो लेके सारीयां चीजां, किलमा चीजां, पॉट वगैरह सब बनदे जी। दसां ਇਸੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਣੇ ਕੀ ਬਿਆ? ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੂੰ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕ ਲਏ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਚ ਫਿਰ ਸਹੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਦਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਫਤਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟੀ ਉੜਿਆ। दिख दे चलो एक और तैयार होने वाला है चक्का जो मोटर कन्नै घूमता जा करा करता है, और हत्थां दा मतलब इन्नी बारीकी कन्नै उसी, ये देखो 2 मिंट भी नहीं लगे मेरे, मेरी लाइन कंप्लीट भी नहीं हुई, हुंदा दीया जड़ा वो बनी भी गया। छोटे छोटे साइज दे भी दीए बनते, ते बड़े बड़े साइज दे भी दीए बनते। मैं तुसे दसो कि इसी सुकने च किन्ना चिर लगदा फिर? दो दिन गर्मियां च एक दिन च सुक जांदा, सर्दियां च दो दिन लगदे। अच्छा, ते इत्थे पट्टी च भी पाई रखदे? ਉਹ ਪਕਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਏ ਕੀ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੱਖਦੇ ਧੁੱਪੇ, ਉਸੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਕਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿਆਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੋਂਦੇ, ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ,
पूरा पूरा परिवार इयो काम करदा है। हां जी हां सारे कोई काम करदे इयो काम करदे। ये एक गुल्लक बना दे ना। हां जी एक गुल्लक बना कर दी जिसी है बुगनी आखड़े होने आ ते तुसी दिखी सकदे ए ए री ऊपर ए डंडी भी बना ओड़ी और ए मतलब किन इंगे लग रहा है मैं दो बारी पलका खाली चपकानी और चीज जड़ी ओ तैयार होई भी गई। ए लाओ दिवाली दीपियां दा त्यौहार ते एक दिया जड़ा ओ मैं भी अपने हाथा च ले लिया बड़ा शैल सी जड़ा ओ रंगे दा। आंटी जी नाम क्या आपका? नीलम। अच्छा कहां के रहने वाले हो? मैं अंबाला की। अंबाला की। अच्छा तो मी ए दसो तुस की इसी बनाने की कितना टाइम लगदा? एक दियो को बनाने में कम से कम एक या एक मिनट भी नहीं। एक भी नहीं लग रहा मुझे। जिस हिसाब के पीछे स्पीड देख रही मैं 5 सेकंड कह दो बस इससे भी कम ही। आप कब से बना रहे हो मतलब शादी से पहले से बना रहे हो या अभी शादी के बाद बना रहे हो? नहीं नहीं मेरे हस्बैंड तो पहले जॉब करते थे बस बॉडी का काम करते थे। अच्छा कोरोना काल आया तो काम ठप हो गया इसलिए अपना फैमिली बिजनेस। अच्छा ये आपका फैमिली बिजनेस है। मेरे मदर इन लॉ करते थे फादर इन लॉ भी करते थे जब हम आया मगर मैंने अपने घर में कभी नहीं किया हमारे मायके में कभी नहीं हुआ। अच्छा कभी नहीं ये काम ना। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जैसे आपने बताया कि ये फैमिली बिजनेस है आपका। हाँ जी। तो पूरे साल में कितनी डिमांड रहती है दियों की मटकों की गागर की या फिर और भी गुल्लक देख रही हूँ मैं यहाँ पे मटकों के या फिर दिवाली पे ज्यादा डिमांड रहती है? मटकों की डिमांड तो पूरा ईयर। अच्छा हाँ मटकों की डिमांड पूरा ईयर दियों की डिमांड भी लगभग अब पूरा ईयर ही हो रही है मगर 6 मंथ जरूर होता है ज्यादा होता है ज्यादा होता है। अच्छा जैसे आपने बताया कि आपका ये फैमिली बिजनेस है। हाँ आपके सास ससुर कर रहे हैं। हाँ अब आप और आपके पति भी इसमें हाथ बटा रहे हैं। हाँ तो आपके बच्चे जो है जो आने वाली जनरेशन आने वाली जनरेशन नहीं करे नहीं इंटरेस्ट नहीं है इतना। नहीं है है थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं मगर इतना ही। मेरा बेटा MBA कर रहा है एक बेटा जॉब कर रहा है कार की गाड़ियों की कंपनी में वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते कहते हमने बाहर की जॉब करनी है हमने नहीं करना है। नहीं हमने नहीं करना ये बनाने में तो समझो आपको 5-7 सेकंड उसके बाद जो गर्मी है तो एक दिन में सूख जाएंगे जो सर्दी है तो 2-3 दिन में सूखेंगे। 2 दिन तो पक्का ही है जो ज्यादा ठंड आएगी तो काम बंद हो जाएगा। काम तो पूरे साल में दिवाली का कितना आपको इंतजार रहता है? बहुत बहुत रहता है 2-3 महीने तो यानी अगस्त से लेकर जब तक दिवाली होती है या नवम्बर में आए या अक्टूबर में आए तो बेसब्री से सब लग जाते हैं। हाँ दिवाली है। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इस एरिया में और कितने ऐसे घर हैं जिनका फैमिली बिजनेस ही है कितनी और परिवार जो है वो सब साथ में मिलकर दिए बना रहे हो? लगभग 20 परिवार तो हैं। 20 परिवार हैं। हाँ, कुम्हार मंडी के अंदर अंदर जैसे कि टाइम बढ़ रहा है। हाँ जी लोग नई नई चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी डिमांड बढ़ रही है। लोग जैसे अब दुकानों पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चीजें आई हैं इलेक्ट्रिक दिए आए हैं पानी वाले आए हैं बड़ी सारी नई नई चीजें आई हैं। मिट्टी के दियों की डिमांड नहीं खत्म होगी। अच्छा इसकी डिमांड खत्म ना ना कभी भी नहीं हो सकती। कॉन्फिडेंस देखो ना 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 कभी भी नहीं होगी ये गारंटी आगे आगे बढ़ेगा। ये प्रॉपर तरीके से माल सूख जाता है तो भट्टी में एक डाट बनी होती है उसमें बीच में छेक होते हैं जिससे जो हम बूरा डालेंगे ना भट्टी के अंदर उसका सेक ऊपर को जाएगा ये कम से कम 2 घंटे के अंदर पकेगी। अच्छा बूरा डालने से जो बुरादा होता है लकड़ी का कितने दिया जाते हैं इसके अंदर जो इसमें सभी तरह का माल लगता है। अच्छा ये घड़े भी लगेंगे गड़वे भी लगेंगे कैसे बताएं आपको ये सभी तरह का माल लग जाएगा इसमें इसमें सभी तरह का। कितना टाइम लगेगा इसको? इसको पकने के लिए ऊपर इसमें पाथी लगेंगी नीचे से मोरी बनी है उसके अंदर से बूरा झोंकेंगे कम से कम 1.5 घंटे या 2 घंटे तो लगते ही है। ये हमारी छोटी है तो इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है जिनकी बड़ी है उसमें 2-2.5 घंटे सवा दो घंटे में रेडी हो जाए। हाँ पक जाता है फिर उसको सुबह खोलते हैं फिर इसके ऊपर अभी पाथी लगेगी ठिकरे लगेंगे उनको उतारेंगे फिर माल पक जाएगा फिर पका हुआ माल होता है।